आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आयुर्वेद समाधान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको लाते हैं रोजाना कई महत्वपूर्ण विषयों पर जरूरी जानकारी, जिसमें आपके स्वास्थ्य से संबंधित कई जानकारियां होती हैं और सारी जानकारी वैद्यों की राय पर आधारित होती हैं। तो क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जीवन को निरोग बनाया जाए। चलिए आज की वीडियो में क्या है खास, जान लेते हैं। आज हम उस एक ऐसी अजीब चीज की बात कर रहे हैं जिससे आपके बाल 6 इंच तक बढ़ सकते हैं। दोस्तों, साबूदाना दरअसल हमारे यहाँ व्रत और त्योहारों में ही काम आता है, इसे अन्न नहीं माना जाता, लिहाजा लोग इसे फलहार की तरह काम में लेते हैं। साबूदाने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व देते हैं, जो शरीर को स्वास्थ्य और सेहतमंद बनाते हैं। इसमें मौजूद विटामिन के तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाता है और मानसिक रोग होने से बचाता है। साबूदाने में पोटेशियम होता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, जो सारा दिन आपका एनर्जी लेवल हाई रखता है, साथ ही वजन बढ़ाने में कारगर सिद्ध साबित होता है। दोस्तों, साबूदाने की एक ऐसी खासियत है जो आपने आज तक किसी वीडियो में न देखी होगी न कहीं सुनी होगी। आयुर्वेद समाधान के जरिए हम आपको साबूदाने का वो नुस्खा बता रहे हैं जो आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम को एकदम खत्म कर देगा। तो चलिए जान लेते हैं साबूदाने से बालों के झड़ने को कैसे रोका जा सकता है और कैसे आप साबूदाने की मदद से 6 इंच तक अपने बालों को बढ़ा सकते हैं। साबूदाने के उपयोग से क्या क्या फायदे होंगे, उसमें पहला फायदा ये है कि आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। साबूदाने में जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल मिलाकर आधे घंटे तक बालों में लगाने से हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। साबूदाने के पाउडर को दही, गुलाब जल और शहद में मिलाकर बालों की जड़ों में लगाने से बालों की शाइनिंग बढ़ती है। चमकदार बालों के लिए भी साबूदाने का उपयोग किया जाता है। अपने बालों की लंबाई के हिसाब से दही को एक अंडे की जर्दी में साबूदाना मिलाकर अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इस पैक को ब्रश की मदद से बालों पर लगाइए। 30 मिनट बाद बालों को अच्छी तरह से धो लीजिए। हाँ, ये ध्यान रहे कि आप धोते समय माइल्ड शैम्पू का ही इस्तेमाल करें, इससे बालों में शाइनिंग आ जाएगी। 1 टेबलस्पून शहद, 1 टेबलस्पून दही और 1/2 चम्मच नारियल का तेल और 1 चम्मच पिसे हुए साबूदाने को मिक्स करके हेयर पैक तैयार कर लीजिए। इसे अपने बालों में 2 घंटे तक लगाकर छोड़ दीजिए। बाद में पानी से बाल धो लीजिए। अगर आप रात को लगाकर सुबह बाल धोते हैं तो ये सबसे बेहतर है और आपको इसके लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लगाइए और सो जाइए, सुबह उठकर इसे धो लीजिए। देखना, आपके बालों की लंबाई कुछ ही दिनों में बढ़ने लगेगी। बालों की बदबू को भी खत्म करता है ये साबूदाना। एक बाउल में 1 अंडा और साबूदाना डालकर अच्छे से बीट कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अंडे से तो बालों में बदबू बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। इसे अपने बालों में 3 घंटों तक लगा रहने दीजिएगा और पहले इसे सिंपल पानी से धोइए और बाद में शैम्पू से, ताकि अंडे की बदबू भी पूरी तरह से चली जाए। जैसे ही अंडे की बदबू जाएगी, आपके बालों की दूसरी सारी बदबू को बाहर निकाल देगी। आयुर्वेद समाधान पर हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते हैं, इसलिए आप आयुर्वेद समाधान को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भविष्य में इस तरह की जरूरी जानकारी यूं ही मिलती रहे। आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान।